दोस्तों मैंने देखा है कि जब लोग टेंस पढ़ते हैं तो लगभग सारे टेंस समझ में आ जाते हैं, बट जब बात आती है परफेक्ट टेंस की तो थोड़ा सा अटक जाते हैं, थोड़ा सा उलझ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम तीनों परफेक्ट टेंस एक साथ देखेंगे और जो भी आपकी उलझन है, जो भी कंफ्यूजन है, सारे दूर कर दूंगा। देखिए परफेक्ट टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब इनमें अंतर यही है जो मैंने यहाँ पे येलो से लिखा है। चलो ये बाद में पढ़ लेंगे, पहले आपको एक एग्जाम्पल दे के बताऊं मैं। जैसे मैंने लिखा मैं खाना खा चुका हूँ, ये तो हम सबको पता है कि इनकी पहचान चुका है, चुकी है, इधर चुका था, चुकी थी होती है, तो मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी आई हैव ईटन फूड, मतलब मैं खाना खा चुका हूँ। अच्छा परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूरा होना, कोई काम जब प्रेजेंट में परफेक्ट पूरा हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई काम पास्ट में पूरा हुआ तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में पूरा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। अब सेम एग्जाम्पल को मैं यहां पे ले लूं कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, भाई पहचान के अनुसार तो यही आएगा ना, इधर चुका था, चुकी थी, तो मैं खाना खा चुका था, और इसकी अंग्रेजी हमने बना दी आई हैड ईटन फूड। इधर आप क्या लिखोगे, मैं खाना खा चुका हूंगा, है ना, चुका होगा, होऊंगा, और यहां पे आप लिख दोगे आई सेल हैव या विल हैव, आई सेल हैव ईटन फूड। अब समझने वाली बात यह है कि इनमें से ये तो आपने करेक्ट कर दिया, ये तो करेक्ट है, लेकिन ये दोनों ही रॉन्ग हैं। बस यही तो कंफ्यूजन है, मतलब टीचर या तो जल्दी आगे बढ़ने के लिए या फिर चीजों को आसान बनाने के लिए इस तरह से हमको टरका देते हैं, जबकि ये दोनों ही गलत है। आप इस तरह से कभी नहीं बोल सकते। हाँ ये बोल सकते हो कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, पढ़ चुका हूं, लेकिन आप कभी भी सिंगल एक एक्शन को ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं ये कर चुका था, मैं खा चुका था, जा चुका था, आ चुका था, ये गलत है। और आप कभी भी इस तरह से नहीं बोल सकते कि मैं खाना खा चुका हूँगा। फिर सही क्या है, सही है कि अगर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि मैं खाना खा चुका था तो आपको ये बताना पड़ेगा कब, एक और एक्शन दिखाना पड़ेगा पास्ट में, तब जाके पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि मैं कब तक खाना खा चुका हूँगा, फ्यूचर में आप खा तो चुके होंगे लेकिन कब तक, वो टाइम का मेंशन करना पड़ेगा। और हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए एक एक को लिया है मैंने, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, या फिर गया है, खाया है, लिखा है, ये भी आ सकता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, एक ही बात है, काम पूरा होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि चुका है, चुकी है, ये भी शब्द आ सकते हैं, खाया है, देखा है, मतलब काम पूरा होना चाहिए प्रेजेंट में। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज। अब हैव और हैज में आपको पता है कि आई वी यू दे यदि सब्जेक्ट हो तो हैव आएगा, ही सी इट नेम या सिंगुलर हो तो हैज आएगा। मैन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो रट लो आप, तीनों परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। अब मैन बात है इसके एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण, यानी ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो मोस्ट ऑफ इसी टेंस में यूज होते हैं, जैसे ऑलरेडी पहले से ही, जस्ट अभी अभी, रिसेंटली हाल ही में, यट अभी तक, सो फार अभी तक। एग्जाम्पल देखो, राहुल अभी अभी बाजार गया है, आप ऐसे बोल दो राहुल बाजार जा चुका है, राहुल बाजार गया है, लेकिन और भी सटीक है अभी अभी बाजार गया है ना, तो अभी अभी के लिए क्या लगाएंगे, जस्ट। अब ऐसा भी नहीं है कि सेंटेंस में ये एडवर्ब आने ही चाहिए, ये चीज मत पकड़ लेना, इनके बिना भी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, मतलब आप इनको मत लगाओ फिर भी परफेक्ट टेंस है, लेकिन इनको लगा दिया तो और भी अच्छा है, और भी सटीक है। तो राहुल अभी अभी बाजार गया है, इसकी अगर अपन अंग्रेजी बनाए तो राहुल, अब राहुल के साथ हैज लगाओगे, हैव लगाओगे, हैज आएगा, राहुल हैज जस्ट, जस्ट करते हैं अभी अभी, और जो जस्ट और ऑलरेडी रिसेंटली है ये हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब के बीच में फंसते हैं, छोटी सी बात है यार, है जस्ट गॉन, थर्ड फॉर्म आएगी गो वेंट गॉन, तो राहुल है जस्ट गॉन टू द मार्केट, राहुल अभी अभी बाजार गया है। हम पहले ही खाना खा चुके हैं, एक तो हम खाना खा चुके हैं ये बोल दो, चाहे हम अरे हमने तो पहले ही खा लिया, ऑलरेडी है ना, कंप्लीट है, फिनिश है, तो पहले के लिए क्या लगाओ, ऑलरेडी, इसको ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दो हम खाना खा चुके हैं। अब देखो राहुल अभी अभी बाजार गया है या राहुल बाजार जा चुका है, एक ही बात है, हम पहले ही खाना खा चुके हैं या हमने पहले ही खाना खा लिया है, एक ही बात है, काम पूरा होना चाहिए, तो वी हैव, वी के साथ लगाएंगे हैव। अब पहले के लिए क्या लगाओगे आप, ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी ईटन फूड, या टेकन भी लगा सकते हो, वी हैव ऑलरेडी टेकन फूड, हमने ये कार हाल ही में खरीदी है, हाल ही का मतलब
अब देखो प्रेजेंट में पूरा हुआ, प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि इसी क्षण में पूरा हो काम, भले ही दो चार पाँच घंटे दो चार पाँच दिन पहले भी हुआ हो, लेकिन उसको प्रेजेंट के संदर्भ में बोले कि यार ये हो गया है, मतलब मैं पास हो गया हूँ। तो हो सकता है कि वो तीन दिन पहले रिजल्ट आया हो, लेकिन बोलने में तो ये आएगा ना हो गया हूँ, है ना। हमने हाल ही में यह कार खरीदी है, हाल ही का मतलब क्या है, हो सकता है पाँच दिन पहले खरीदी हो, लेकिन जब बोल रहे हैं तो आजकल के संदर्भ में बोल रहे हैं, मतलब ये काम खरीदने का पूरा हो गया प्रेजेंट में, ठीक है। तो वी हैव रिसेंटली, रिसेंटली कर देता है हाल ही में, बॉट, थर्ड फॉर्म आएगी बाय की बॉट दिस कार, हमने हाल ही में ये कार खरीदी है। मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, या मैं अभी तक ताजमहल नहीं देख चुका हूँ। अब इसमें हम एडवर्ब लगाएंगे यट और सो फार, यट का अर्थ भी होता है अभी तक और सो फार का अर्थ भी होता है अभी तक, और ये दोनों ही एडवर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। सेंटेंस नेगेटिव है कि अभी तक नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन। अब जो यट और सो फार ये लास्ट में आते हैं, ठीक है, ये बीच में नहीं आएंगे, जबकि रिसेंटली ऑलरेडी जस्ट आए बीच में, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब के बीच में। देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब है, बॉट मैन वर्ब है, बीच में आया, बीच में आया, बीच में आया। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, ताजमहल एक यूनिक बिल्डिंग है, तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा, यट अभी तक, या सो फार भी लगा सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आसान है, चुका है, चुकी है, या फिर गया है, आया, देखा है, इस तरह से आया, प्रेजेंट में काम पूरा होना चाहिए। ये एडवर्ब और लगा दो आप ऑलरेडी जस्ट रिसेंटली, तो फिर और भी अच्छी बात है, आपने और भी उसको कंप्लीटनेस के साथ पढ़ा है, समझा है, आप उसको, आपकी डीप नॉलेज भी है। लेकिन यहाँ पे लपड़ा नहीं है, यहाँ पे तो आसान है, दिक्कत है आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी सर्व कर दूँ, हर वीडियो में देता हूँ, क्या पता कोई नया व्यूवर देख रहा हो। जानकारी ये है, यदि आप हम पे ट्रस्ट है, लगता है कि सर बहुत ईमानदारी से सिखाते हैं, बहुत भोलेपन के साथ सिखाते हैं, हम सीख रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ें सिक्वेंस में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरु जी, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना, वहाँ पे दो तीन कोर्स है। सबसे पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखे, लाखों लोगों की समस्या है, सेंटेंस बनाना नहीं आता, पैराग्राफ लिखना नहीं आता, ठीक है। और जैसे कोई, बहुत सारे टेक्निकल कोर्स वाले भी आते हैं, जैसे कि कोई मेडिकल का स्टूडेंट है या कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, एग्जाम उसमें देना है, अब सेंटेंस बनाना नहीं आता, तो ऐसे लोगों के लिए, या फिर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है इंग्लिश मीडियम में, तो उन लोगों की हेल्प के लिए मैंने वो कोर्स तैयार किया है। इंग्लिश लिखना सिखाया है, सेंटेंस बनाना सिखाया है, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात लिखते लिखते फंस जाए, अटक जाए सेंटेंस के बीच में, तो निकलने का रास्ता क्या है, और हाँ जरूरी ग्रामर करवाइए। साथ में कोई स्टूडेंट देख रहा है, उसको राइटिंग सेक्शन चाहिए, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, वो भी उसमें करवाया है, हर वीडियो के साथ पीडीएफ है। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, सारी इंग्लिश ग्रामर को सिक्वेंस में करवाया है, उसमें भी हर वीडियो के साथ पीडीएफ है, सारी ग्रामर डिटेल में करवाइए। सबसे खास बात, वो कोर्सेज के वीडियोज यूट्यूब पर नहीं है, वो मैंने अलग से थोड़ी मेहनत करके तैयार किए, इसलिए थोड़ा चार्ज भी है, फ्री नहीं है, थोड़ा फीस है, आप चाहे तो पे करके उन कोर्सेज को बाई कर सकते हो, नहीं करना बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो लोगों को कब समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो आएगा, लेकिन सबसे मेन पहचान ये पकड़ो आप, पास्ट में दो काम होंगे, सेंटेंस इकला नहीं आएगा, मैं खाना खा चुका था, चाय पी चुका था, मैं जा चुका था, दो काम होंगे उस वक्त में, दो काम होंगे, एक काम और दो काम, दोनों पास्ट में, और वर्ड आएंगे उसमें किसी एक काम से पहले, पहले, बाद में या जब, मैंने पूरी पहचान लिख दी, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड और मैन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो सबके साथ हैड आएगा, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म, तीनों में एक साथ बता देगी, तीनों में परफेक्ट थर्ड फॉर्म आती है। जैसे देखो, जब अशोक मेरे घर आया मैं बाजार जा चुका था, अब पूरा है ये, मैं बाजार जा चुका था, इकल्ला मत लिखो, जब अशोक मेरे घर आया तब मैं बाजार जा चुका था, दो काम है, यानी बाजार कब जा चुका था, जब अशोक मेरे घर आया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी, गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी, इसमें परफेक्ट टेंस नजर आ रहा है, लेकिन कब, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, दूसरा काम का मेंशन है, और रवि के आने के बाद हमने साथ साथ खाना खाया था, तो हमने साथ साथ खाना कब खाया था, रवि के आने के बाद, तो दो कामों का मेंशन है, दोनों ही पास्ट में हुए। अब जो दो काम पास्ट में, उनमें से भी दोनों काम हुए पास्ट में, भूतकाल में, उनमें भी जो पहले हुआ, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, और जो दूसरा है जो बाद में हुआ था वो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखा जाएगा। अब इनको देख लो, जब अशोक मेरे घर आया मैं बाजार जा चुका था, तो एक बात बताओ, पहले कौन सा काम हुआ,
मैं अशोक मेरे घर आया है, मैं बाजार, तो मैं पहले चला गया, तो जो काम पहले हुआ उसकी अंग्रेजी लिखो पास्ट पर, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड गॉन टू द मार्केट, मैं बाजार जा चुका था, व्हेन अशोक केम टू माई होम। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा अजीब लगा कि मैंने इनको इधर उधर कैसे घुमा दिया, आप इसको ऐसे लिख दो व्हेन अशोक केम टू माई होम, जैसे लिख रहा है वैसे वैसे लिख दो, पर गलती करोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भले ही आपके पास दो एक्शन दिखाए गए हो, उनमें जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसको पहले लिख दो, ठीक है। तो आई हैव गॉन टू द मार्केट, सॉरी हैव क्यों आएगा यार, आई हैड गॉन टू द मार्केट, मैं बाजार जा चुका था, व्हेन अशोक केम टू माई हाउस, जब अशोक मेरे घर आया, या फिर मैं बाजार गया था, ऐसे बोल दो, चुका था कि भी कोई जरूरत नहीं है, दो काम होने चाहिए, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, व्हेन अशोक केम टू माई हाउस, आई हैड गॉन टू द मार्केट, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। अगला है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी, तो बताओ इसमें भी दो काम हुए, एक तो मैं स्टेशन पहुंचा, एक गाड़ी छोड़ चुकी थी, गाड़ी चली गई थी, तो बताओ पहले कौन सा हुआ, गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी, इसको लिखो पास्ट परफेक्ट में। तो गाड़ी के लिए क्या लगाओगे आप, द ट्रेन हैड लेफ्ट, लीव होता है छोड़ना, थर्ड फॉर्म में लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर, पहले, किससे पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे मतलब आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी। या फिर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, बिफोर आई रीच द स्टेशन, पहले बिफोर से शुरू करना, बिफोर से शुरू करना, बी बड़ा लिख देना कैपिटल, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ये लिख सकते हो, एक ही बात है। रवि के आने के बाद हमने साथ साथ खाना खाया था, बताओ इसमें कौन सा काम पहले हुआ, एक तो रवि आया, एक हमने साथ साथ खाना खाया था, लेकिन बाद है ना, देखो जब का मैंने आपका एग्जांपल बता दिया, व्हेन, ये पहले का बिफोर हो गया, अब उसका देखो बाद का, तो रवि के आने के बाद हमने साथ साथ खाना खाया था, इसमें पहले कौन सा काम हुआ, रवि आया उसके बाद हमने खाना खाया था, तो जो काम पहले हुआ उसमें क्या आएगा, तो रवि हैड कम, रवि आ चुका था, आफ्टर बाद में, वी हैड, सॉरी वी एट फूड टुगेदर। ये फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी एट फूड टुगेदर आफ्टर रवि हैड कम, है ना, वी एट फूड, ऐसे चलो लिख ही देता हूं, वी एट फूड टुगेदर आफ्टर रवि हैड कम, अब भी ठीक है ये, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज वाले सेंटेंस को हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, वैसे इसमें ज्यादा बेहतर ये है, ठीक है, थोड़ा सा बोलने में ये, वी एट फूड टुगेदर आफ्टर रवि हैड कम, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहचान देखो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी कोई काम फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। हेल्पिंग वर्ब में विल हैव अथवा शैल हैव, वैसे आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई वी के साथ शैल हैव भी लगा सकते हो। मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में आती है, इसका एडवर्ब है, और खास बात है इसकी बाई प्लस टाइम, यानी कोई काम कब हो चुका होगा उसको दिखाओ, मैं खाना खा चुका हूँगा, इस तरह से मत बोलो, मैं कब तक, 2 बजे तक खाना खा चुका हूँगा, अब सही है, वो पहुँच चुका होगा, लेकिन कब तक, शाम तक पहुँच चुका होगा, इस तरह से। और तक के लिए क्या लगाएंगे, बाई, तो यहाँ पे बाई का मतलब है तक, उसके बाद तक, कब तक, बाय इवनिंग शाम तक, बाय मॉर्निंग सुबह तक, बाय 2 o'clock 2 बजे तक, मेरा भाई 2 बजे तक घर लौट चुका होगा, तो माय ब्रदर विल हैव रिटर्न, लौटने की होती है रिटर्न होम 2 बजे तक, बाई 2 o'clock, अब ये कंप्लीट है, लेकिन ऐसे मत बोलना मेरा भाई घर लौट चुका होगा, अरे लौट चुका, कोई सपना दे, कब तक ले, तो समय और दिखा दो बाई के साथ, हम शाम तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे, तो वी के साथ सेल हैव लगा दो, या विल हैव भी सही है, वी विल हैव लगा दो, तब भी एक ही बात है, तो वी सेल हैव रीच्ड टू दिल्ली शाम तक, बाई इवनिंग,
नीचे वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा, जब तक तुम यहां आओगे, जब तक तुम यहां आओगे मैं स्कूल जा चुका हूंगा ना। अब देखो इसमें आएगा जब तक तुम यहां आओगे, मतलब मैं स्कूल कब जा चुका हूंगा, जब तक तुम यहां आओगे। तो व्हेन यू कम हेयर, अब आओगे, यहां पे आओगे तो विल कम क्यों नहीं लिखा, ये सिक्वेंस ऑफ टेंस है। अगर ये टेंस फ्यूचर में है तो ये प्रेजेंट में आएगा, मतलब दोनों फ्यूचर एक साथ नहीं आते। तो व्हेन यू कम हेयर, जब तुम यहां आओगे, आई शैल हैव या विल हैव कर दो, आई विल हैव, कॉमा लगाओ बीच में सेपरेशन के लिए, क्लॉज है ये, आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, है ना, इस तरह से। तो भाई ये है, मतलब तीनों परफेक्ट टेंस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट तो कैसे लिख दो, लेकिन पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन, और फ्यूचर परफेक्ट वाले में आपको बताना होगा कब तक, और उस कब तक के लिए आएगा बाई, ठीक है, या फिर बाय द टाइम, जब तुम यहाँ आओगे ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैन को हटा दो, बाय द टाइम यू कम, बाय द टाइम यू कम हेयर, जगह है क्या, यहाँ लिख सकते हो आप बाय द टाइम यू कम हेयर, जगह कहाँ यार, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ भी जगह नहीं है, रुको 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 रुको, बाय द टाइम यू कम, यहाँ पे देखो ये लिख रहा हूँ मैं ना, बाय द टाइम यू कम हेयर, जब तक, तक के लिए बाई लगा दिया, तो बाय द टाइम यू कम हेयर या व्हेन यू कम हेयर, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये और भी अच्छा है इसके लिए व्हेन के स्थान पे, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि परफेक्ट टेंस तीनों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे कि इनमें क्या है, और इस तरह से पढ़ें पढ़ाएं तभी मजा आए, वरना ऐसे आप वो खेल चुका था अच्छा नहीं है। और कम से कम वो टीचर भाई इस वीडियो को देख रहा हो तो बुरा मत मानना, हम टीचर गलतियां कर देते हैं, मैं भी कई बार क्लास में, हाँ शुरुआती स्टेज पे आप बच्चों को ऐसे सिखा दो पांचवी क्लास में छठी क्लास में से, लेकिन जब बड़े हो जाएं बच्चे टेंथ में ट्वेल्थ में या फिर और लेवल पे आप पढ़ा रहे हो, तो कम से कम चीज़ों को इस तरह से क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।